मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्मी गुस्से में कहा, रियली अनुष्का, पहले तुमने मेरी ईमानदारी और कैरेक्टर की बेइज्जती की और अब तुम मेरे वर्क एथिक्स की बेइज्जती कर रही हो। उसने मुड़कर गुस्से में अनुष्का को देखा। उसके ऐसे देखने पर वो डर से कांप गई थी। लक्ष्य ने कहा, मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम के डिसीजंस में इंटरफेयर करने नहीं देता हूं। चाहे तुम आज सुबह मेरे साथ सोई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट कर लूंगा। और जो इंसल्ट तुमने आज मेरी की है, मैं वो तुम्हारे मुंह से दोबारा नहीं सुनना चाहता। अनुष्का ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लक्ष्य ने गुस्से से बोला, मेरी कार से बाहर निकलो। अनुष्का ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीट बेल्ट खोलकर दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही उसकी कार तेजी से वहां से चली गई। अनुष्का ने लंबी सांस ली। लक्ष्य ने उसको ऐसी जगह उतारा था जहां से उसे अपने घर के लिए आसानी से कैब मिल सकती थी। घर वापस पहुंचकर वो नहाने के लिए अपनी नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में गई तो उसने देखा कि वहां लक्ष्य का बनियान और कुछ कपड़े पड़े हुए थे। लक्ष्य के सिवाय तो कोई भी लड़का अनुष्का के घर रात में नहीं रुका था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब सुबह वो गया था तो वो अपनी बनियान पहने हुए था, तो फिर जो बाथरूम में टंगे थे वो क्या थे? ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो जहां भी जाता था हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा बनियान वगैरह लेकर जाता था। अनुष्का ने वो कपड़े उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। उस इंसिडेंट के बाद लक्ष्य की तरफ से कोई बात नहीं हुई थी। अनुष्का ने भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। होटल का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा, इसका फैसला अभी तक नहीं लिया गया था, क्योंकि अगर डिसीजन लिया जाता तो पूरी इंडस्ट्री में ये न्यूज फैल चुकी होती। क्योंकि लास्ट टाइम अनुष्का और लक्ष्य के बीच कुछ ठीक नहीं रहा था, इसलिए वो लक्ष्य को कॉल करने से थोड़ा डर रही थी। सुबह जब अनुष्का ऑफिस पहुंची तो एंट्रेंस पर वो काव्या से टकरा गई। दोनों हंसते हुए ऑफिस के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा तो ऑफिस में काफी हलचल मची हुई थी। काव्या काफी क्यूरियस हो गई और उसने पूछा, क्या बात है, आज यहां इतनी हलचल कैसे हो रही है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर अरुण भी यहां आए हुए हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अरुण के साथ साथ सेल्स डिपार्टमेंट का रुद्रांश भी वहां था। काव्या ने धीरे से कहा, क्या खन्ना होटल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया क्या? रुद्रांश ने जब अनुष्का को देखा तो उसके एक्सप्रेशंस में उसके लिए सिंपथी थी। अनुष्का को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। तभी मेघा ने अनुष्का की तरफ झूठी मुस्कुराहट के साथ बढ़ते हुए कहा, अरे अनुष्का, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे ये 7-स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मैं अरुण और रुद्रांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने खन्नास की ऑफिस ही जा रही थी। थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आज रात का डिनर मेरी तरफ से, काव्या ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, कि तुम ये होटल डिजाइन कर रही हो? इन सब के बीच में तुम अनुष्का को क्यों थैंक्स कर रही हो? ये कॉन्ट्रैक्ट तो अनुष्का का था ना, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कैसे जा सकती हो? मेघा ने कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो तुम सुन रही हो, ये कॉन्ट्रैक्ट अब मुझे मिल गया है। लगता है कुछ लोगों के लिए हार्ड वर्क करना बेकार है, लास्ट में वो बस दूसरों के लिए रास्ते साफ कर देते हैं, लेकिन उन्हें खुद को कोई फायदा नहीं मिलता। ये कहकर मेघा जोर से हंसने लगी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे कहा था ना
कि मुझे अखिल के साथ रात बिताकर ये देखना चाहिए कि क्या उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं। देखो, मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना कुछ किए ही अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। चलो, अब और बात करने का टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं, चलो अरुण। मेघा शो ऑफ करने के बाद बाहर निकल गई। जब अरुण अनुष्का के पास से गुजरा तो उसे अनुष्का के लिए बुरा लग रहा था। उसे पता था अनुष्का ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन कभी कभी सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती है। उसने निराशा से अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। अनुष्का हैरान थी, मेघा के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे और वो अचानक से ऑफिस से बाहर दौड़ी। काव्या ने उसे चिंता में पीछे से आवाज दी, अनुष्का, लेकिन वो नहीं रुकी। बाहर जाकर अनुष्का सीढ़ियों की तरफ मुड़ी और उसने लक्ष्य को कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ से लक्ष्य की सख्त आवाज आई, हेलो। अनुष्का ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके प्राइवेट मैटर्स आपके बिजनेस डिसीजंस पर असर नहीं करते हैं? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? किसी दूसरे आर्किटेक्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट देकर आप क्या दिखाना चाहते हो? लक्ष्य हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? अनुष्का ने गुस्से से कहा, मेरा क्या मतलब है? अब आप ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या आप नहीं जानते कि मेरे कलीग्स खन्ना लेजर होटेल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आपके ऑफिस आ रहे हैं? लक्ष्य ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने ही तो तुम्हारे ऑफिस में खबर भिजवाई थी। अनुष्का ने जिस हाथ में अपना फोन पकड़ा हुआ था, लक्ष्य की बात सुनकर उसका वो हाथ कांप गया। उसने जवाब में कहा, हाँ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे ऑफिस से जो आर्किटेक्ट अपॉइंट हुआ है वो मैं नहीं कोई और है। देखो, अगर मैंने आपको नाराज किया है या कुछ गलत किया है तो आप सीधा मुझे बता सकते हो। आपने इस तरह मुझे धोखा क्यों दिया? आपके सामने तो मैं कितनी छोटी इंसान हूं। मेरे जैसी लड़की के साथ ऐसा करना आपके जैसे बड़े अस्तित्व के आदमी को शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य बहुत नाराज हुआ और गुस्से से सख्त आवाज में बोला, अनुष्का तुम्हें याद है मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या कहा था? मेरी ईमानदारी की इंसल्ट करना बंद करो। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी के खेलने की चीज नहीं है। अनुष्का ने हैरान होकर पूछा, आपको सच में इसके बारे में नहीं पता था? अनुष्का सुन रह गई थी। उसके बात करने का लहजा एकदम बदल गया था और अब वो पहले की तरह गुस्से में नहीं लग रही थी। लक्ष्य पहले ही फोन रख चुका था। अनुष्का के सवाल का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अनुष्का एकदम ब्लैंक होकर फोन को देखने लगी। वो इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अपने आप को ब्लेम कर रही थी। वो ऐसा सोचने के लिए खुद पर गुस्सा हो रही थी। लक्ष्य उन लोगों में से नहीं था जो अपने बिजनेस को हल्के में लेते हैं। अनुष्का के ऑफिस में लौटते ही काव्या सीधा उसके पास गई और बोली, अनुष्का मैंने मैनेजर से सब क्लियर कर लिया है। डायरेक्टर रमेश के इंस्ट्रक्शन से मेघा को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेघा के रमेश सर के साथ नाजायज संबंध है और ये बात सबको पता भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और अगर मेघा के सिर्फ काम की ही बात होती तो वो कब की कंपनी से निकल चुकी होती। ये बिजनेस डील बेड पर हुई है। अनुष्का सोच भी नहीं सकती थी कि रमेश, जो कि अपने 50s में थे, वो ऐसा काम करेंगे। वो काम जो कि सिर्फ उनकी रिप्यूटेशन ही नहीं बल्कि उनकी कंपनी की इमेज को भी खराब कर सकता है। मैं रमेश सर से इस बारे में बात करूंगी, ये कहकर अनुष्का लिफ्ट से ऊपर चली गई।
अनुष्का ऊपर गई और बिना नॉक किए रमेश के कैबिन में चली गई थी। वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडवाइजर चेतन रमेश के साथ मीटिंग कर रहे थे। अनुष्का के इस तरह आने पर वो दोनों अचानक से पलटे। चेतन ने नाखुश होते हुए कहा, अनुष्का ये कौन सा तरीका है डायरेक्टर की कैबिन में आने का? तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है? रमेश ने चेतन से डिस्कशन बीच में रोकने के लिए कहा, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, मैं पहले इसकी बात सुन लेना चाहता हूं। चेतन के जाने के बाद अनुष्का ने दरवाजा बंद किया और रमेश की तरफ बढ़ी। उसने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, रमेश सर, मेरे डिजाइन्स की वजह से हमारी कंपनी को खन्ना होटेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया था। आपने मेरी मेहनत से कमाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मेघा को क्यों दे दिया? रमेश ने कहा, अनुष्का शांत हो जाओ। और फिर उसने सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला, प्लीज बैठो, हम इस बारे में आराम से बात करते हैं। अनुष्का ने सख्त आवाज में कहा, नहीं। रमेश का चेहरा थोड़ा उतर गया था। उसने कहा, तुम्हें नंदा एस्टेट तो याद ही होगा, जिनकी तरफ से हमारी कंपनी को तुम्हारे रेजिडेंशियल डिजाइन्स के लिए बहुत तारीफ मिली थी। वो लोग अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इस बार भी तुम्हें अपॉइंट करना चाहते हैं। अगर तुम खन्ना होटल डिजाइन करती तो तुम्हारे पास नंदा के लिए काम करने का टाइम नहीं होता। मैं खन्नाज के प्रोजेक्ट के लिए अपने पुराने क्लाइंट नंदा को नाराज नहीं कर सकता था, इसीलिए मेरे पास मेघा को खन्नाज का होटल प्रोजेक्ट देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। मुझे पता है तुम्हें काफी बुरा लगा है, और इसीलिए मैं तुम्हें नंदा प्रोजेक्ट के रेवेन्यू में से 80% शेयर दे दूंगा। अनुष्का ने लंबी सांस ली और कहा, रमेश सर, पहली बात तो 7-स्टार खन्ना होटल के रेवेन्यू के कंपैरिजन में नंदा का रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। कोई भी अकलमंद इंसान लैंडमार्क बिल्डिंग का काम एक अननोन कमर्शियल रेजिडेंस के लिए नहीं छोड़ेगा। क्या आपको मैं बेवकूफ लगती हूं? आपको भी शायद पता होगा कि एक लैंडमार्क बिल्डिंग को डिजाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिलना आसान नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने कितनी मेहनत। खैर छोड़िए, मुझे आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत का नतीजा तो ये है कि हमारी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक तो आपने मेरी अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दी, और ऊपर से अब आप मुझे नंदा के कमर्शियल रेजिडेंस प्रोजेक्ट के नाम की तरफ भटका रहे हैं। आपको भी पता है कि आपने गलत किया है और इसीलिए आपको गिल्टी फील हो रहा है, वरना आप कभी मुझे उसके रेवेन्यू का 80% नहीं देते। मैं यहां 3 साल से काम कर रही हूं, और मैं ऐसा तो कोई दावा नहीं कर रही कि मैंने यहां रहकर इस कंपनी के लिए कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है, लेकिन मैं इतना जरूर यकीन के साथ कह सकती हूं कि मैंने अपने काम में हमेशा अपना बेस्ट दिया है। आज से पहले तक मेरे साथ यहां जो कुछ भी नाइंसाफी हुई थी, मैंने वो सब भुला दिया था, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। रमेश ने गुस्से में कहा, अनुष्का अपनी हद में रहो। वो अनुष्का के उठाए इन सवालों से गुस्से में आ गया था। अनुष्का ने जवाब दिया, हद? आपको सच में लगता है कि मुझे अपनी हद में रहने की जरूरत है? किसी की इतनी मेहनत आपके साथ सोने के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। ऑफिस में सबको पता है कि आपका मेघा के साथ क्या रिश्ता है। बहुत ही निराशा की बात है कि आप इस पोजीशन पर होने के बाद भी अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।